हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडीएम क्लासेस। आज अपन जैसे कि आपको पहले बताया वो बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। मैं आपको ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसका रीजन सुनिए। 10th क्लास पास आउट होने के बाद में मैक्सिमम गार्जियंस के माइंड में एक सेटअप चलता है दिमाग में कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो वो लाइन मैं भी कोई कोई टाइम पे मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं भी उस 10th पास को किया था। तो मुझे भी बताया कि मेरे पेरेंट्स कितने कंफ्यूज हुए थे, मैं कितना कंफ्यूज हुआ था। और उस टाइम पे जब आप अगर सही स्टेप नहीं ले पाते हो तो उसका फिर आपको लाइफ टाइम तक उस वो कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते, वो लेकिन हमेशा लाइफ में बना ही रहता है। आप क्या करें, अगर मैं अपनी पर्सनल राय शेयर करूँ तो कि स्टूडेंट की पर्सनल चॉइस को चेक करें कि वो क्या रखता है, उसकी चॉइस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट से उसे कांटेक्ट में रखें, या उसी से आगे जाके जो लाइफ बनती है किसी किसी भी स्टूडेंट की उससे उसके कांटेक्ट करवाएं जिससे उसको एक पॉजिटिविटी मिले। ज़बरदस्ती एग्रीकल्चर थोपने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि स्टूडेंट का एग्रीकल्चर में स्कोप अच्छा है या फिर इंटरेस्ट है तो स्कोप में देखें कि है कि नहीं है। तो अब मैं बात करूंगा आपसे कि स्कोप क्या है एग्रीकल्चर के, और एग्रीकल्चर के स्कोप के लिए आप एग्रीकल्चर में जाने के लिए कैसे कैसे आगे मूव करते हैं, कैसे कैसे आपकी आगे फर्दर स्टडी होती है, आओ बात करते हैं। तो देखें, 10th क्लास पास आउट होने के बाद आप 11th क्लास में एग्रीकल्चर अलग से सब्जेक्ट ले लेते हैं तो 12th में भी आपके पास एजी रहेगा। इस एजी के सब्जेक्ट के साथ चलेंगे तब आप एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, और वो होगा स्टेट लेवल राजस्थान में तो जैक, और सेंट्रल लेवल पे बात करें तो ICR और BHU। इन तीनों में से किसी भी एक एग्जाम में क्रैक करें, और एक एग्जाम में क्रैक करने के बाद में आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें अपना। और अगर ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट किसी ने नहीं लिया हो, और अगर 10th क्लास के बाद में किसी बच्चे ने बायो चूज कर लिया हो या मैथ चूज कर ली हो तो भी उसके पास एक ऑप्शन होता है। अगर वो बायो का स्टूडेंट है, वो मेडिकल में नीट की तैयारी करना चाह रहा है और अगर वहाँ सक्सेस नहीं मिल रही है तो उस बच्चे के लिए भी एक ऑप्शन होता है कि वो अपने पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट को रखते हुए कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करें, और तैयारी करने के साथ साथ वो जेट के एग्जाम दे या फिर ICR के एग्जाम दे या BHU के एग्जाम दे। तो आप सोचे BHU तो अलाउ करता है आपको, पर यहाँ पे जेट और ICR ज्यादा मेजर रखेगा। जेट और ICR की बात करो, जेट के लिए बायो का स्टूडेंट एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो सकता है, सेम सेम टू सेम ICR में भी जाके वो एग्रीकल्चर में कंपटीशन कर सकता है। ICR ने तो यहाँ तक कवर किया हुआ है कि अगर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है तो ICR में जाने पर वो एग्जाम जो दे एंट्रेंस वो एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री चूज कर सकता है। मतलब वो फिजिक्स को टफ सब्जेक्ट रहने के कारण उसे छोड़ सकता है और ICR में एंट्री कर रहा है तो ABC में जा सकता है। यहाँ पे अगर बायो है आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो आप जब एग्रीकल्चर में आना चाहते हो जेट के थ्रू तो आपको एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री की ही एग्जाम देनी होती है। तो बायो के स्टूडेंट के लिए भी ऑप्शन रहता है कि वो जेट ICR में आ जाए, BHU में चल जाए। या थर्ड पॉइंट जो है सबसे ज्यादा, जो हर स्टूडेंट को माइंड ही नहीं है, गार्जियंस ने 11th 12th में उसको मैथ दिला दी और मैथ के बाद में वो उसको इंजीनियरिंग के लिए भेज रहा है, और इंजीनियरिंग के लिए जो इंजीनियर्स बन रहे हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप उसके साथ साथ एक ऑप्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी रखते हैं, कैसे कि 12th में अगर आपके पास मैथ्स है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इस PCM के थ्रू एग्जाम लगती है आपकी जेट ICR और BHU तीनों में ही, और वो लगती है किसमें, मैथ सब्जेक्ट में। आप मैथ से जाए और एग्रीकल्चर BTech करें, इससे जो डिग्रियां होती है वो एग्रीकल्चर में तो BSc MSc PhD, ठीक है। और अगर आप इसको ABC की जगह PCM से जाएंगे मैथ के स्टूडेंट तो वो करेगा BTech इन AG, फिर MTech और PhD भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे।
वाह, वो इंजीनियरिंग में पीएचडी भी कर सकता है, ठीक है। पर ये सब सब्जेक्ट होंगे किसके, एग्रीकल्चर के। आप मानेंगे यहाँ पे पीएचडी होल्डर्स और एमएमटेक वाले बंदे बहुत कम होते हैं। आउट ऑफ 100 में आपको 10 से 15 स्टूडेंट आपको मैं गिनूंगा तो 10 से 15 स्टूडेंट मिलेंगे। इन स्टूडेंट अवेयर ही नहीं है कि मैथ सब्जेक्ट से भी जेट में जा सकते हैं, कि आईसीआर में जा सकते हैं, बीएचयू में भी जा सकते हैं। तो मेरा आज ये पर्पज ये कहना कि अगर मैथ का स्टूडेंट है तो प्लीज गार्जियंस को इतना समझना चाहिए, 11th और 12th में बच्चे का आउटपुट चेक करके उसे उस आईआईटी के लिए अगर वो नहीं वर्क कर पा रहा है तो आप उसे इस सब्जेक्ट में भेज दो, यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप रहेगा आगे। अगर आपने बीटेक भी कर लिया, आप मिनिमम जो कहते हैं ना कि लिमिटेड लिमिटेड जॉब करना चाहिए, तो डेयरी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेयरी के अंदर आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज भी मिलता है, 4-5 लाख के लगभग आपको एनम का सैलरी पैकेज मिलता है। यहाँ पे आप चाहें तो इसके बाद में आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, अशोक लीलैंड में जा सकते हैं, आयशर में जा सकते हैं। आपको यहाँ एमटेक करने के बाद में पैकेज और ज़्यादा अच्छा मिलेगा, होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सेम कंडीशन तो जो मैथ वाले स्टूडेंट है, जो अपना ऐसा सोच के चलते हैं कि हम मैथ्स वाले यहाँ जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, वो अपना माइंड बिल्कुल ओपन करें, आप यहाँ एलिजिबल हैं। उसके बाद में आप बात करें किसकी, कि अगर आप एग्रीकल्चर में आ गए तो एग्रीकल्चर में आने के बाद आप जैसे ही बीएससी करते हैं तो उसमें कंप्लीट एग्रीकल्चर ही आती है। कंप्लीट एग्रीकल्चर में आप जो 11th में एजी और 12th में एजी पढ़ रहे हैं उसी की थोड़ी सी ब्रॉड लैंग्वेज में आपको एग्रीकल्चर पढ़ाई जाती है। ब्रॉड सिलेबस आपको मिलता है बीएससी में। फिर बीएससी करने के बाद में आपको कुछ डिसिप्लिन मिलते हैं, 12-13 डिसिप्लिन होते हैं डियर, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है और उसके लिए एग्जाम लगती है किसकी, एमएससी की, जिसे हम राजस्थान लेवल में प्री पीजी बोलते हैं और आईसीआर के लेवल पे हम उसे जेआरएफ बोलते हैं। जेआरएफ एमएससी के लिए ये एग्जाम लगती है। जेआरएफ स्कॉलरशिप के लिए सीट अलॉटेड होती है, आईसीआर उसे अलॉट करता है। तो ये आईसीआर के थ्रू होती है और ये राजस्थान लेवल पे होती है। यहाँ पे ये जो मैं अब एमएससी की भी बात कर रहा हूँ, मैं अभी अपने चैनल में यही सब्जेक्ट चूज कर कवर कर रहा हूँ जिससे बच्चे एमएससी की तैयारी इजी वे में कर पाए। तो आप अगर बीएससी कर रहे हो, बीएससी करने के बाद में आपने ये कोर्स जो होगा 4 साल का कोर्स होगा, ये 2 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे पीएचडी आपको 3 साल से 4 साल के बीच में आपको कवर कर ली जाती है। और अब बात करें इन तीनों को मिला के कि ऑप्शन क्या मिलेगा आगे, फर्दर लाइफ क्या होगी, ये तो हमारी स्टडी का मटेरियल होगा। अगर हमने बीएससी की है तो बीएससी करने के बाद आप बीएससी जैसे ही कंप्लीट करते हो, बीएससी करने के बाद में आपके पास देखो, वैसे तो आप देखें तो अब तक आपको 12th AG करने के बाद में सुपरवाइजर के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है, सुपरवाइजर बन सकते हो आप, कृषि पर्यवेक्षक। तो जब 12वीं क्लास पास आउट ही बन सकता है तो बीएससी एमएससी पीएचडी वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सुपरवाइजर की एक वैकेंसी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में WAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, सहायक कृषि अधिकारी, या फिर AO कृषि अधिकारी के आप पोस्ट पे जा सकते हो। ये राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब होगी, राजस्थान गवर्नमेंट में आपको ये 3 पोस्ट पे वैकेंसी मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट आती है वो सब आपको बीएससी के लेवल पे भी मिल सकती है, एमएससी के लेवल पे भी मिल सकती है। दोनों पे ही आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वैकेंसियाँ खूब मिलती है। अभी राजस्थान की तो कंडीशन है कि वो अभी आपको बहुत सारी रिक्रूटमेंट और देने वाले होंगे। पर अभी मैं आपको इस वीडियो से ये नहीं समझा रहा कि इसमें आपको जॉब करनी है, आप सब जानते होंगे जो इसमें एजुकेशन में है उनको तो अच्छे से पता है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट किसी बच्चे को दिलाना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव, या आपको कहे कि आगे की फर्दर नॉलेज होनी चाहिए कि यार मैं अपने अपने बच्चे को अगर एग्रीकल्चर दिलाता हूँ तो इसकी फर्दर लाइफ में कुछ ऑप्शन भी है या नहीं है, कुछ स्कोप भी है क्या नहीं है। तो इसीलिए आपको मैं ये वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा बीएससी में आपने कुछ, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखे, फिर यहाँ पे बीएससी करने के बाद में जो लिमिटेड लिमिटेड जो कंपनियां होती है उनमें भी आपको वैकेंसी मिल सकती है, जैसे इफको है, क्रिफको है, क्रिफको है, इफको है, क्रिफको है,
या फिर आप बात करें मोनसेंटो है, ये प्राइवेट कंपनियां भी आ जाएगी। प्राइवेट कंपनियां आपको बहुत अच्छे पैकेज पे लेके जाती है। यहाँ पे बीएससी करने के बाद में ऑन एन एवरेज कोई भी बच्चा बीएससी करने के बाद चाहे तो आराम से किसी न किसी जॉब में सेट हो सकता है। वो मिनिमम 12 से 15 हज़ार रुपये सैलरी तो उसकी मान के चलें एग्रीकल्चर में एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट की, जो केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। ये बात अलग है कि वो फर्दर स्टडी करके बहुत टॉप लेवल पे जाना चाहता है, वो इसलिए अपने इस जॉब को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। पर नॉर्मल से नॉर्मल आप बेरोजगारी के इस दौर में आपको बेरोजगारी नहीं दिखेगी, मेरे को जहाँ तक अपना आइडिया लगता है। ठीक है, तो हमने बात किया क्या कि लिमिटेड में जॉब मिल सकती है आपको, एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन में वैकेंसी मिलती है आपको, उसके साथ साथ आपको राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी आपको वैकेंसी मिल सकती है। ये सब लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो पर ये हमको बीएससी करने के साथ भी एलिजिबिलिटी है, एमएससी करने के साथ, इनमें से जो पे स्केल के अकॉर्डिंग होगा, जो ज़्यादा पे स्केल है वो एमएससी लेवल के, कुछ कुछ एक जॉब ऐसी हो जिसमें एमएससी की रिक्वायरमेंट होगी। पीएचडी, एमएससी के और पीएचडी के बीच में एक जॉब और आती है जो आईसीआर अलॉट करता है, वो बहुत शानदार जॉब है। आईसीएआर के थ्रू अगर एमएससी कर रखी है तो आप एमएससी के साथ अगर नेट क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी अच्छी है, सबसे अच्छी जॉब जो एग्रीकल्चर में। उससे भी बढ़िया क्या आएगा, एआरएस के लिए एलिजिबिलिटी लें, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। अगर एआरएस में अगर जाना चाहते हैं तो आप यार साइंटिस्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? साइंटिस्ट। यहाँ पे सबसे टॉप लेवल की जो जॉब है वो साइंटिस्ट की जॉब है। एग्रीकल्चर में एमएससी पीएचडी करने के बाद में आप एआरएस के लिए क्वालिफाई हो, अपने एआरएस के लिए प्रिपरेशन करें, उसी एग्रीकल्चर से आप एआरएस बन सकते हैं। अगर आप यूपीएससी में अगर इंटरेस्टेड है तो आप एक जॉब और होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आप अगर यहाँ पे आईएफएस की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी का प्री, वो तो आपको कॉमन क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद में मेंस और इंटरव्यू के लिए आप केवल और केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होना जरूरी होगा, उन्हें आईएफएस की सीट मिलेगी। तो आईएफएस के लिए हमें चाहे तो हम कंपटीशन आईएफएस में भी जा सकते हैं। ये होती है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर में कंप्लीट, एक बिल्कुल बार बार की अपना आउटलाइन आपको बताई थी कि जिससे आपको ये पता चले कि एग्रीकल्चर अगर सब्जेक्ट किसी बच्चे को दिलाना हो तो वो क्या करेगा, किसकी एग्जाम देगा, कहाँ एग्जाम लगेगी। ये एग्जाम के बारे में आपको फर्दर स्टडी के बारे में कंफर्म करना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और कोई आपको इसमें कोई क्यूरी करनी हो तो आप मेरे से कभी भी अब मेरे चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे लाइक करें, उसे कमेंट कर रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आपको फटाफट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप जो मैं आपको ये बता रहा हूँ एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में, तो इस पर एक बार जरूर फोकस करें। सब्जेक्ट के आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। जी, थैंक यू सो मच।